आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायक एवं साथियों नमस्कार। आज के हमारे विषय इस सदन की राय का वैश्विक शांति के लिए, वैश्विक शांति के लिए अहिंसावादी विचारधारा हितकर है। विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु मंच पर उपस्थित महोदय, हम नहीं जानते कि आगामी भविष्य कैसा होगा। हम इतिहास और वर्तमान के आधार पर सिर्फ परिकल्पना कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, लेकिन वह विश्व का कल्याण भी एक संग्राम द्वारा संभव हुआ। मेरे प्रतिपक्षी साथियों ने कहा कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर संधि का प्रस्ताव लेकर गए, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्या शांति स्थापित हुई? यदि सब कहने और आग्रह करने से ही मान जाते हैं, तो एक गाय चराने वाला, एक बांसुरी बजाने वाला महाभारत का भीषण युद्ध क्यों करवाता? महाभारत का युद्ध हुआ, शांति स्थापित हुई, दीर्घकालीन शांति स्थापित हुई, लेकिन कालांतर में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन चेंज हुआ। मेरे प्रतिपक्षी साथी कूट संख्या 7 ने भी कहा कि कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। आर्यव्रत सम्राट अशोक का पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां सम्राट अशोक मिला। सम्राट अशोक अहिंसावादी बने क्योंकि उनका लक्ष्य था वैश्विक शांति स्थापित करना। क्या वैश्विक शांति स्थापित हुई? सम्राट अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। यह दुर्भाग्य है, यह दुष्कर है। यदि नर्क देखकर दया उनका हृदय नहीं पिघलाती, तो मैं सत्य कह रहा हूं महोदय, 17,000 की सेना अरब से नहीं आती, चार औरतों की कीमत एक दिनार नहीं लगते, और दिल्ली में ये माताओं बहनों के मीना बाजार नहीं लगते, ये धर्म के नाम पे खून खराबा, ये शोर शराबा नहीं होता। और दुर्भाग्य को देखिए आज जहां से आतंकवादियों की से जन्म ले रहे हैं, वे हिस्से भी पहले अहिंसावादी भारत के ही हुआ करते थे। आधुनिक काल में आते हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। इनकी विचारधाराएं अलग थी, लेकिन लक्ष्य एक था, भारत की आजादी। इसीलिए जब असहयोग आंदोलन अपनी सफलता के चरमोत्कर्ष पर था, तब गांधी जी के धूर विरोधी, जी हां, गांधी जी के धूर विरोधी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह भी इस आंदोलन में शामिल थे। हर धर्म, हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी, मुसलमान, क्रिस्तानी, हर धर्म, हर जाति, हर पंथ, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर विचारधारा के लोग उस आंदोलन में शामिल थे। भारत अपनी आजादी के पथ पर अग्रसर था, भारत आजाद होने ही वाला था, लेकिन दुर्भाग्य चौरी चौरा कांड, हिंसा, महात्मा गांधी ने एक सफल चल रहे आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि उनकी तो अहिंसावादी विचारधारा थी। निस्संदेह रूप से हमें आजादी गांधी जी की अहिंसावादी सोच ने दी, लेकिन कब? 1857 की क्रांति के 90 वर्ष बाद दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। महोदय, तीन टुकड़े हो गए, तीनों है बेहाल। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? महात्मा गांधी ने अहिंसा के संदेश को पूरे विश्व में प्रकाशित किया था, उनकी मृत्यु भी एक हिंसा में हुई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? गांधी जी की अहिंसावादी नीति ने, गांधी जी के अहिंसावाद ने हमें पाकिस्तान की दुश्मनी हमें विरासत में दी है, आज भी वह कांटा। तो कहते हैं ना कि शरीर में जब कांटा होता है तो वो दर्द देता है, जब तक शरीर में रहता है तब तक दर्द देता है, वह ज्यादा समय तक कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है। लेकिन यदि हम उस कांटे को फटाएंगे तो थोड़ा दर्द जरूर होगा, लेकिन बाद में शांति हो जाएगी। महात्मा गांधी, पाकिस्तान की 2019 के बाद से कोई नापाक हरकत नहीं आई है। मेरे प्रतिपक्षी साथी कूट संख्या 15 ने जिस प्रकार से कहा कि भारत ने तो अहिंसावादी कारणों से या फिर अहिंसावादी तरीकों से जवाब दिया, 2019 के बाद पाकिस्तान की कोई नापाक हरकत सामने नहीं आई है, मैं अपने प्रतिपक्षियों से पूछना चाहता हूं कि क्या हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय सफेद झंडे पर #हैशटैग पीस और अहिंसावादी संदेश लिखकर भेजे थे? घर में घुसकर मारा था। मेरे प्रतिपक्षियों ने रूस और यूक्रेन का उदाहरण दिया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह एक व्यक्ति उसकी मैं उसका नाम नहीं लूंगा, इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसका नाम नहीं लूंगा,
लेकिन यह एक व्यक्तिगत स्वार्थ का प्रश्न है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि पूरा विश्व एक साल से मूक दर्शक, अहिंसावादी मूक दर्शक बनकर रूस और यूक्रेन को देख रहा है, क्या शांति हो गई? भारत आज पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का प्रणेता है, लेकिन हमारी विचारधारा अहिंसावादी नहीं है। अरे हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हम प्रेम करते हैं अहिंसा से, लेकिन अहिंसा हमसे प्रेम नहीं करती। यदि भारत आज अहिंसावादी होता तो आज सैन्य उपकरण और रक्षा क्षेत्र में इतना विकास नहीं करता। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, यहां तक कि शेरशाह और बलबन ने भी दीर्घकालीन युद्ध लड़े क्योंकि वे शांति स्थापित करना चाहते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंसा से मेरा अभिप्राय युद्ध, ईर्ष्या, राग द्वेष, लूटपाट या फिर दंगे या फसाद से नहीं है। मैं तो बस यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसका घर में नुकसान पहुंचाएंगे, उसे घर में घुसकर नुकसान पहुंचाएंगे। यदि कोई हमें थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरा गल आगे करने की बजाय पलट कर दो थप्पड़ मारेंगे ताकि वैश्विक शांति बनी रहे। धन्यवाद।